वेलकम टू साइंटिफिक पेरेंटिंग। आज हम बात करने वाले हैं सेरेलैक के बारे में। सेरेलैक बहुत इजीली मार्केट में मिलता है, मोस्ट पेरेंट्स यूज़ करते हैं उसे। जब वीनिंग स्टार्ट करना होता है तो उसको वही खिलाते हैं, और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है उसकी टेस्ट की वजह से। तो पेरेंट्स भी खुश रहते हैं कि हाँ बच्चा मेरा खा रहा है, तो वही उसको कंटिन्यू करते हैं। पर आपने अगर कभी उसके बॉक्स के पीछे देखा कंपोजिशन एरिया में, तो आप देखोगे कि 100 ग्राम सेरेलैक में 22 टू 25 ग्राम्स की शुगर रहती है और 7 टू 9 ग्राम्स की एडेड शुगर रहती है। अब आप देखोगे तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट में अगर 22 ग्राम से ज़्यादा शुगर है तो उसे ऑलरेडी हाई माना जाता है, मतलब ये शुगर बहुत ज़्यादा है। प्लस उसमें एडेड शुगर भी है तो ये ऑलरेडी लिमिट एक्सीड कर देता है। फिर भी ये प्रोडक्ट्स फेमस है क्योंकि बच्चों को वो पसंद आता है और पेरेंट्स भी खुश रहते हैं। पर क्या इतनी शुगर सच्ची में बच्चों के लिए अच्छी है या नहीं, तो ये बहुत डेंजरस है बच्चों के लिए भी, क्योंकि इतनी शुगर से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे डेंटल कैविटी हो सकती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, और एक ओबेसिटी हो सकती है, और लॉन्ग टर्म में जाके डायबिटीज़ भी हो सकता है। अभी रिसेंटली एक हेल्थ सर्वे हुआ था मुंबई के स्कूल्स में, तो वहाँ पे उनको ये पता चला कि बहुत सारे टीनेजर्स को ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर है और कुछ टीनेजर्स को तो शुगर भी है। तो ये बहुत अलार्मिंग चीज़ है कि इतने छोटे उम्र में भी बच्चों को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर होने लगा है। और इंडिया तो वेल नोन है एज अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि ऐसे प्रोडक्ट्स आप अवॉइड करो यूज़ करना। हम देखते हैं कि बहुत से पेरेंट्स सेरेलैक को ही एज अ मेजर मील करके यूज़ करते हैं, डेली यूज़ करते हैं, बच्चा बस उतना ही खाता है। वो भी ऑब्वियस है क्योंकि एक बार सेरेलैक की टेस्ट की आदत लग गई, क्योंकि वो मीठा होता है, फिर वो बच्चा घर का कुछ भी नहीं खाएगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा बाद में उसको अलग चीज़ों की आदत लगाने में। आप घर पे ही सेरेलैक जैसे पाउडर्स बना के सेव कर सकते हो, उसे स्टोर कर सकते हो। मार्केट में बाकी भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिसमें बिल्कुल शुगर नहीं रहता है या कम शुगर रहता है, वो प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो। तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने वाले हो उसका हमेशा कॉम्पोजिशन बॉक्स चेक करो, उसमें एडेड शुगर कितना है, कार्बोहाइड्रेट शुगर कितना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एडेड शुगर तो होना ही नहीं चाहिए और कार्बोहाइड्रेट शुगर भी बहुत कम रहना चाहिए। तो हमेशा बेबी प्रोडक्ट यूज़ करने के टाइम पे ये सब चीज़ें चेक करो। बाकी सेरेलैक यूज़ करना है कि नहीं ये आपके ऊपर है, मैंने आपको सारे उसके कॉम्प्लिकेशंस बता दिए। अब आप डिसाइड करो कि आपको ये यूज़ करना है कि नहीं। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।